नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। घर के कूड़े में डाल देना इसे। जो कोई भी व्यक्ति नाराज है, रूठ गया है, चाहे वो घर का हो या बाहर का, कोई दूर जा रहा है, आपसे अपने संबंध, अपने रिश्ते खत्म कर रहा है, कोई भी मनमुटाव हो, गलती किसी की भी हो, एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय आज हम आपको बताएंगे। बहुत सरल उपाय है, घर में ही आपने कर लेना है। जो कोई भी नाराज व्यक्ति है, जो कोई भी रूठा हुआ इंसान है, खुद रोता हुआ आएगा आपको मनाने। मित्रों, इस उपाय को आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए, और अगर कोई साथी, कोई मित्र भी है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। निसंकोच आप इस उपाय को करें, इसका कोई भी दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और सामने वाले पर मात्र 5 से 7 घंटे के भीतर ये ऐसा असर डाल देता है, ऐसा प्रभाव छोड़ देता है कि वो इंसान, उसके दिल पर इसका ऐसा असर होगा कि वो सीधा आपके पास आएगा और आपके पास, आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगा। जब तक आप उसे माफ़ नहीं कर दोगे, वो आपसे मिन्नतें करता रहेगा, आपको मनाता रहेगा। इस उपाय को मित्रों आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इसे प्रातः 4 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच कभी भी कर लें। उपाय को एकांत में करें, बंद कमरे में कर सकते हैं, कमरा खुला भी हो सकता है, परंतु कोई बाधा डालने वाला, विघ्न डालने वाला ना हो। आपने चुपचाप इस उपाय को कर लेना है। इसकी विधि बहुत सरल है। आपने सिर्फ एक इलायची का दाना लेना है, एक इलायची लेनी है, हरी वाली इलायची, साबुत लेनी है, अंदर का दाना नहीं, साबुत आपने इलायची लेनी है। उसे लेकर आप एक स्थान पर बैठ जाए। जब आप बैठेंगे, अपनी बैठने की दिशा पूर्व की रखेंगे, ईस्ट की ओर मुख करके आपने बैठना है। कोई भी आसन कपड़ा बिछा लें साफ, और उसके ऊपर आप पालती मारकर, चौकड़ी मारकर बैठ जाएं। इलायची के दाने को आपने अपने उल्टे हाथ पर, हथेली पर रखना है और सीधे हाथ से ढक लेना है। सबसे पहले आपने ये करना है और आंखें बंद करके उस व्यक्ति को स्मरण करें, उसको सोचें, जहन में लेकर आए अपने, 15 सेकंड 20 सेकंड उसके बारे में सोचें, विचारें। उसके बाद आपने क्या करना है, सीधे हाथ पर जैसा वीडियो में दिखाया गया है, अंगूठा और तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर अंगूठे के साथ वाली, उससे पकड़ लेना है, जैसे आप चुटकी में पकड़ लेते हैं, सामने की ओर रखें इसे। इसे देखते हुए बड़ा ही छोटा सा एक मंत्र आपने उच्चारित करना है। बहुत आसान है, वीडियो में आपकी सहूलियत के लिए दिखाया गया है, वहाँ से आप मंत्र को देख सकते हैं। मंत्र बोलते वक्त आपने आँखें खुली ही रखनी है, पलक झपका सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पलक नहीं झपकाएंगे। आपने आँखें खुली रखने का अर्थ इलायची के दाने को देखते रहें और मंत्र बोलें। मंत्र को आप पहले ही, उपाय से पहले ही याद कर लेंगे। बहुत सरल सा मंत्र है। उस व्यक्ति को एक बार सोचा अच्छे तरीके से और उसके बाद ही आप ऐसा करें। मंत्र है, शुम अमुक वश्य, शुम अमुक वश्य। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लें, पुरुष है, स्त्री है, जो कोई भी है। जब आप उसका नाम लेंगे, आपने पहला नाम, फर्स्ट नेम ही लेना है, जिस नाम से आप उसे पुकारते हैं वो नाम। ये मंत्र आपने 8 बार बोलना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ये दाना, उस स्थान से आप खड़े हो जाएं, अपने से ऊंचे किसी भी कद में घर में रखते हैं, इस तरीके से रखें, दाना इधर उधर कहीं ना जाए। आप चाहे तो इस दाने को किसी कटोरी आदि से ढक भी सकते हैं। एक स्थान पर रख दें, अपने से ऊंचे स्थान पर, साफ स्थान पर, अलमारी में भी रख सकते हैं, कोई भी ऐसी जगह हो साफ, किचन में रख दें, ऊपर कोई स्लैब हो, कुछ भी हो इस तरह का, उस पर रख दें। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको 2 घंटे बाद, 2 घंटे से अधिक जब हो जाए, अगले दिन भी कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर करना है। जब 2 घंटे से अधिक हो जाए, आपने ये दाना अपने सीधे हाथ से उठाना है। अगर इसे ढककर रखा है, कोई चीज़ ऊपर से हटा दें, उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से, इसे जैसे उपाय के समय पकड़ा था वैसे ही पकड़ लें और उसके बाद घर के कूड़ेदान में डाल दें। कूड़ा जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, उसके अंदर रख दें, गिरा दें। जब ये घर से बाहर निकलेगा, आप देखेंगे कैसे वो इंसान, उसके ऊपर 5 से 6 7 घंटे के भीतर ही ऐसा असर होगा कि खुद आपके पास चला आएगा, आपसे बातें करेगा, आपको मनाएगा।
मित्रों, आशा करते हैं उपाय आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान गया, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।